दोस्तों, अर्नी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं नारनौल से रेवाड़ी। नारनौल सिटी को जस्ट क्रॉस किया गया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इस वीडियो में आपको एक एक चीज बताई जाएगी। सभी लैंडमार्क्स बता दिए जाएंगे, विलेजेस बता दिए जाएंगे, कहाँ से कौन सा विलेज है। ये आपने लेफ्ट साइड में मारुति का शोरूम है। वन विश्राम गृह भी यहीं पे है, चिंकारा वन विश्राम गृह लेफ्ट साइड में है। ये अभी हम जहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, ये कृष्णावती का एरिया आता है, कृष्णावती रिवर है, उसके पुलिये को क्रॉस करेंगे अभी। ये विलेज रिसोर्ट है राइट साइड में, काफ़ी प्रसिद्ध रिसोर्ट है, अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। कभी इसी का भी ब्लॉग बनाएंगे। यहाँ से राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है, ये यदुवंशी कॉलेज स्कूल में जाता है। यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे सीएनजी भी मिलती है। अब ये नीरपुर का बस स्टैंड आ जाएगा। यहाँ से लेफ्ट साइड में नीरपुर विलेज है, राइट साइड में रोड की तरफ जाना हो, सिक्का मंडाना की तरफ जाना हो तो वो राइट साइड से जाना होगा। थोड़ा आगे चलने हैं तो 152D की क्रॉसिंग भी आएगी यहाँ पे इसी रोड पे। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी, ये आप देख सकते हैं, ये 152D पे एंट्रेंस के लिए बनाया गया है। ये
शुभावंडी अपना ट्रांस हरियाणा है जो काल कुरुक्षेत्रा जाता है, कोटपुतली की तरफ जाते हैं पनियाली मोड़ से और कुरुक्षेत्र तक जाता है। ये जो सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं ये 152D है, बाईपास है नारनौल का जनरल, और अभी हम NH11 पे चल रहे हैं। आप राइट साइड में देख सकते हो RPS स्कूल है। अगर आपको सराय जाना हो, बाछौद जाना हो, तो यहीं से आपको सर्विस लाइन लेनी पड़ेगी। आगे आपको कोई कट नहीं मिलेगा उतरने के लिए। कंट्रोल्ड एक्सेस है इसके अंदर, NH11 के अंदर। आज आपको पूरी डिटेल्स बता दी जाएंगे किस विलेज के लिए कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है। तो जो पीछे जो सर्विस लाइन थी वहीं से आपको उतरना पड़ेगा अगर आपको बाछौद और सराय जाना हो। क्या शानदार हाईवे बना दिया गया है इसका। डिजाइन स्पीड आपको बता देते हैं, यहाँ पे 100 की है, 100 किलोमीटर पर आवर। अभी जो ये फ्लाईओवर देख रहे हैं ये सराय बहादुर विलेज का है। देख सकते हो यहाँ पे कोई कट नहीं है, तो इसलिए आपको वहीं RPS के पास से ही कट लेना होगा, सर्विस लाइन पकड़नी होगी। यहाँ से बाछौद बाईपास स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हो कहीं भी एग्जिट नहीं है। बाछौद अगर आपको आना है तो वहीं से नारनौल से आ रहे हो तो RPS स्कूल के पास से आपको सर्विस लाइन पकड़नी होगी। अभी जो आगे फ्लाई ओवर देख रहे हैं ये इसके लेफ्ट साइड में, अब हमारे लेफ्ट साइड में बाछौद है, राइट साइड में कुंजपुरा और बाछौद हवाई पट्टी की तरफ जाता है रास्ता। बाछौद बाईपास को जस्ट हमने क्रॉस कर लिया है। अभी अगर आपको अटेली जाना है तो बाईपास जैसे ही ख़त्म होता है आपको सर्विस लेन पकड़नी होगी। अटेली टाउन के लिए आपको यहीं से सर्विस लेन पकड़नी होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं रोडवेज जा रही है। हम अभी बाईपास से ही जाएंगे। अभी
अभी जो ये फ्लाई ओवर आ रहा है ये अटेली के लिए दे रखा है। अब यहाँ से अटेली बाईपास स्टार्ट हो जाता है, आपको खोड़ जाना हो तो यहाँ से आप उतर सकते हो। बाईपास सटेली की भी दूरी बता दी जाएगी आपको। देख सकते हो यहाँ पे NH 11 का मार्का भी लगा हुआ है, साइन बोर्ड है। अगर आपको महेंद्रगढ़ जाना हो तो आगे से जो ये फ्लाई ओवर है यहाँ से सर्विस लेन पकड़नी होगी आपको। ये देख पा रहे होंगे हाईवे क्लोज कर दिया है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा बाईपास पे। कोई नहीं, सर्विस लेन दे रखी है यहाँ, सर्विस लेन से चलते हैं, आपको बता भी दिया जाएगा सारी चीज़ें। यहाँ से जो ये बाइकें आ रही हैं यहाँ महेंद्रगढ़ सिटी की तरफ चला जाता है, बाकी हमें रेवाड़ी की तरफ जाना था, हम इसे भी कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे अगर वहाँ पे कोई नहीं मुड़ पाया है तो अटेली यहाँ से भी जा सकता है, इस अंडरपास से भी, ये भी अटेली की तरफ जाता है। आपको कनीना जाना हो तो यहाँ से भी नीचे उतर के जा सकते हैं। कनीना अपने लेफ्ट साइड में है, अटेली राइट साइड में है। रेवाड़ी जाना है तो हम सीधा जाएंगे। ये आपको बता दिया जाता है कि आगे वहीं से ही उतरना पड़ेगा जहाँ पे महेंद्रगढ़ रोड है। इसके अलावा यहाँ पे अब एंट्री करने के लिए भी आपको अटेली रेस्ट एरिया तक जाना पड़ेगा सर्विस लेन पे। बहुत कंट्रोल्ड एक्सेस पॉइंट्स बनाए गए हैं यहाँ पे हाईवे पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो हम फ्लाईओवर को क्रॉस करके आ गए, लेकिन यहाँ पे एंट्री का कोई पॉइंट नहीं है, ना ही एग्जिट का है। सर्विस लाइन भी बढ़िया बना रखी है, एकदम नया कंस्ट्रक्शन है, नई लेयर डली गई है। ये उनिंदा धनुंदा विलेज के लिए रास्ता है।
दिल्ली के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ये अटेली बाईपास यहाँ से एंड हो जाता है, ये गोकुलपुर गांव का इसी में पड़ती है। वो आपको थोड़ी सी आगे चलना पड़ेगा तो रेस्ट एरिया आएगा, वहाँ से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं नेशनल हाईवे पे। चलते हैं दिखाते हैं आपको। एग्जिट पॉइंट है अभी यहाँ पे, तो नेशनल हाईवे से अगर आपको रेस्ट एरिया में आना है तो यहाँ से आप उतर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जस्ट हमारे लेफ्ट साइड में बोचड़िया विलेज है। ये सभी एंट्री कर रहे हैं लेकिन ये यहाँ से एंट्री नहीं है, आगे से एंट्री होगी। ये हम रेस्ट एरिया के पास पहुँच चुके हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड अटेली का रेस्ट एरिया है। अभी हम यहाँ से NH 11 पे एंटर कर लेते हैं। हाँ, टेली बाईपास के डिस्टेंस है अपनी 8.2 किलोमीटर। अपनी खोड़ के पास से स्टार्ट होती है, यहाँ बोचड़िया में आके खत्म होती है। ये वर्षा आनंद रेजिडेंसी है यहाँ पे, पहले इसका नाम वर्षा होटल होता था। एक तो CNG पंप आपको नीरपुर के पास दिखाया था, दूसरा CNG पंप यहाँ है जो कि बोचड़िया की सीम में पड़ता है, सुजापुर और बोचड़िया की सीम में। ये भी इंडियन ऑयल का है। दूसरी बात, अगर आपको चंदपुरा जाना हो, सुजापुर गनियार जाना हो तो यहीं से आपको सर्विस लाइन लेनी पड़ेगी, बाकी कहीं एग्जिट नहीं है। आप आगे बाजार से आगे निकल जाओगे, बाजार जाना हो तो भी यहीं से आपको एग्जिट लेन। दिल्ली बता रहा है 139 और रेवाड़ी 34 किलोमीटर, तो हम यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं क्योंकि हमें चंदपुरा जाना है। ये हम सर्विस लाइन पे आ गए हैं। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन सही लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सुजापुर का रास्ता है, यहाँ से सुजापुर के अंदर जा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं है, वहाँ से आप सर्विस लेन लिया है तभी आप इधर आ पाओगे। ये सुजापुर का भी रास्ता है, यह विधायक सीताराम जी का भी घर इसी साइड से पड़ता है। आप देख सकते हैं डिजाइन स्पीड 100 की है, NH की, सर्विस लेन की नहीं, NH की। दोस्तों हम वहां से यहां तक मात्र 19 मिनट में पहुंच गए हैं। छलक नाले से लेके यहां तक अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट हो गई है। चलो ओके, हम यहां व्लॉग को एंड करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपसे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।